अल्बर्ट संभल में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए 280 बेडों का क्वारंटाइन होमों की तैयारी। 3 स्थानों पर बनाए गए शेल्टरों होम स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारी। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। बाढ़ से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है। जनपद संभल में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन जनपद में व्यक्ति अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में आए हुए हैं, जिनकी बीमारी की जाँच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। प्रशासन द्वारा बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है। स्थिति खराब दिखती है तो इन व्यक्तियों को जनपद में बनाए गए क्वारंटाइन होम में रखे जाएंगे। अविनाश किशन सिंह जिला अधिकारी संभल ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन जनपद में हजारों की संख्या में बाढ़ से लोग आए हुए हैं, जिनकी जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। प्रशासन स्तर से ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है। अगर इनमें से कोई भी मरीज संक्रमित मिलता है तो बनाए गए क्वारंटाइन होम में रखा जाएगा। जिला अधिकारी और SP यमुना प्रसाद ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। अभी हमारे जनपद में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बाहरी प्रांतों से लोग चल करके हमारे जिलों में आए हैं और इनकी संख्या हज़ारों में रही। ये लोग अपने गांव और नगरों में गए हैं। हम लोगों ने इनकी सूची तैयार कराई है। हमारी मेडिकल की टीमें निरंतर उन लोगों के जाके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य कर रही है और उन लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पर ही हम लोग क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन भविष्य की तैयारी के दृष्टिगत अगर हमें क्वारंटाइन कराना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा सिम्टोमेटिक रीजंस आते हैं, तो हम लोग जनपद में अलग 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 स्थानों पर स्थान चिन्हित करके क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये गुन्नौर स्थित जो ये हमारा आसरा की कॉलोनी है, जो अभी खाली पड़ी है, इसमें हम लोग 150 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का निर्णय किए हैं, जो कल शाम तक इसको हम लोग तैयार करके रखेंगे किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जब हमें क्वारंटाइन में करने की आवश्यकता पड़ेगी, जब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जरूरत पड़ेगी। पहले से भी हमने 30 बेड का हम लोगों ने कैला देवी में बना रखा हुआ है, जो हमारा वहाँ पर PSC है, और एक और संभल में हम लोगों ने स्थान चिन्हित किया हुआ है, जहाँ 100 बेड के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन प्लेस बनाया। इस प्रकार जनपद में हम लोग करीब 280 बेड का क्वारंटाइन सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी ऐसी परिस्थिति से हम लोग निपटने में तत्कालिक रूप से सक्षम हो सकते हैं।